मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टियां हरकत पर आ गई हैं। वहीं इसी के चलते शुक्रवार को सिवनी से 15 किलोमीटर दूर उड़ेपानी गांव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आगमन हुआ। बताया गया कि यह गांव छोटा होने पर भी इसको चुनने का कारण ये था कि यहां से 3 विधानसभा सिवनी, बरघाट और केवलारी कवर हो जाती है। कमलनाथ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और शिवराज सरकार के द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाना बताया। वहीं जब सवाल किया गया कि कर्नाटक के मैनिफेस्टो में जो बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है क्या वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगी, तो उसके जवाब में कमलनाथ ने कहा कि हमने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं कहा कि कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है जिसका हम पालन करवाएंगे। वहीं दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने बताया कि यह तो एक टाइटल मात्र है, बाकी अभी पूरी फिल्म बाकी है। इसके पश्चात कमलनाथ के द्वारा आम सभा को भी संबोधित किया गया। नौजवान बेरोजगार और सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या हमारी मध्य प्रदेश। शिवराज जी ऐलान करते रहते कि 1 लाख लोगों का बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ये सब झूठी बात है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये सच्चाई, प्रदेश की 18 साल की सच्चाई, ये सिवनी की देख लेती, या पानी की समस्या, या बिजली की समस्या, यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मैं सोचता हूँ ये इकलौता जिला होगा पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, ये इकलौता जिला होगा मध्य प्रदेश में जहाँ अस्पताल में प्रॉपर स्टाफ नहीं है, स्पेशलाइज स्टाफ होता है वो नहीं है, टेस्टिंग के लिए स्टाफ नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये इनके 18 साल का परिणाम है। अपना सिंचाई विहीन सिवनी, अपना उद्योग विहीन सिवनी, अपना बिजली वहीन सिवनी, सुविधा वहीन हमारे अस्पताल, स्कूल में केवल छत नहीं लीक करते, पूरे प्रदेश में पेपर लीक करते, ये है आज से भी। खेल सुविधा वहीन सिवनी, ये सिवनी का हाल है। एक चीज की सुनामी जरूर है, भ्रष्टाचार की सुनामी। इन्होंने भ्रष्टाचार का ये व्यवस्था बनाई है, नीचे से लेके ऊपर तक व्यवस्था बनाई है। 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मैं पूछता हूँ इसमें से कुछ सिवनी को लाभ हुआ? ये 3,30,000 करोड़ जो कर्जा लिया है जिसका ब्याज चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा, हाँ, इसका क्या उपयोग हुआ? क्या हमारे अतिथि, अरे पत्रकार, क्या हमारे हमारी आशा उषा कार्यकर्ता, क्या उनको रसोईयों को फर्क, आंगनबाड़ियों को ज्यादा जा? 3,30,000 करोड़ रुपए का क्या किया मैं बताता हूँ। इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेके दिए, और इस ठेके से जो कमीशन आया 25% एडवांस दिया, और एडवांस जो मिला उससे अपनी कमीशन निकाला। योजना जाए बाढ़ में, अगर हिसाब लगाया जाए कि पिछले 14-15 महीनों में इन्होंने कितने बड़े बड़े ठेके दिए, ये बात स्पष्ट होगी। ये आज प्रदेश की तस्वीर सबकी।